एम बी एक्सपेक्टेड मोनिट्री वैल्यू एक्सपेक्टेड मोनिट्री वैल्यू कैलकुलेट करके क्लोजली जैसे जैसे अभी जून का महीना चल रहा है जुलाई में बारिश होती है तो इट इज वेरी क्लोज देर मे बी समाइम ऑफ रेन सीजन ऑल्सो एंड देर कैन बी रिस्क ऑफ लेबर एट द टाइम ऑफ दिवाली ऑल्सो लेकिन दिवाली अभी दूर है और बरस, और बारिश अभी पास में है सो वी विल हैव द रिस्क रेन विलोजर सो इज अर्जेंट ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो तो फर्स्ट वी विल अटैक दिस रिस्क आफ्टर दैट वी विल गो टू दिवाली रिस्क दिस इज ए ग्राफ दिस शोज के एबिलिटी टू इंफ्लुंस द रिस्क एंड कॉस्ट ये कहता है कि इफ अगर हम शुरू में ही प्लानिंग में इफ यू सी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस मीन ये ये बिगनिंग है अर्ली फेजेस लेट फेजे अगर हम अर्ली फेजेज में ही रिस्क को मैनेज कर लेंगे प्लान कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत कम आएगीचर cost, cost अगर हम जितना लेट होते जाएंगे प्रोजेक्ट में उतना हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी उस रिस्क को हैंडल करने के लिए उस अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि इन दर्ली फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट वी मस्ट आइडेंटिफाई द रिस्क वी मस्ट है प्लानिंग फॉर द रिस्क रिस्क मैनेजमेंट प्लान में क्या होगा मैथडोलॉजी होगी क्या क्या मेथड्स क्या क्या अप्रोच क्या क्या टूल्स टेक्निक्स इसमें लगाएंगे डेटा के सोर्सेज क्या होंगे वो सब होगा इसमें रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या इंटरनल टीम रिस्क मैनेजमेंट करेगी या एक्सटर्नल टीम रिस्क मैनेजमेंट करेगी रिस्क ओनर कौन होगा हर एक रिस्क के लिए ओनर कौन होगा लाइक दैट बजटिंग इसके लिए करनी होगी हमें बजटिंग मतलब हाउ मच कॉस्ट वी कैन कीप फॉर द रिस्क

तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान में डिसाइड करना है हमें डिफाइन करना है हमें कि आई तो विल तो हाई मानूंगा ये डिफाइन हमको रिस्क मैनेजमेंट प्लान में करना है कि किसको मैं इंपैक्ट को हाई मानूंगा किसको लो मानूंगा किस प्रोबेबिलिटी को हाई मानूंगा किसको लो देन प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट मैट्रिक्स इसका एक मैट्रिक्स बनता है आगे हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट मैट्रिक्स बनता है जिस जो रिस्क प्रोबेबिलिटी में भी हाई है और इंपैक्ट में भी हाई है वो हाई रिस्क एक्टिविटीज हैं उनको हमें बहुत क्लोजली वॉच करने की जरूरत है और जो लो प्रोबेबिलिटी और लो इंपैक्ट में है वो वॉच लिस्ट में डाल देते हैं हम उनका इंपैक्ट भी बहुत कम है लाइक दैट वी हैव टू क्रिएट प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट मैट्रिक्स का टेम्पलेट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं आगे के प्रोसेसिस में को भरते हैं ये एक लाइक दिस इज सैंपल फॉर रिस्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर हाउ वी कैन डिवाइड द रिस्क यहां पर देखेंगे आप ये प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट रिस्क को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया टेक्निकल एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब टेक्निकल में रिक्वायरमेंट्स टेक्नोलॉजी ये अब रिक्वायरमेंट को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट मतलब

ये ऑल दिस इज पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान कि हमने कॉस्ट टाइम स्कोप और क्वालिटी में इसमें डिफाइन कर दिया कि हम किस रिस्क को कौन सी रिस्क को हाई मानेंगे किसको लो मानेंगे दिस इज लो मानेंगेट फॉर दैट नाउ दिस इज अगेन ए टेम्पलेट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिस इज अगेन ए टेम्पलेट लाइक ऑल दिस इज पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान सो दिस वॉज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट प्लान नाउ सेकेंड प्रोसेस इज आइडेंटिफाई रिस्क रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे सपोज वी आर डूइंग द सिमिलर प्रोजेक्ट पहले भी हमने किया है तो लर्न में में से से या कंपनी हम देख सकते हैं पिछले वाले पे हमें क्या क्या रिस्क अकर हुई थी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट गॉट डिले बिकॉज ऑफ दिस दिस रीजन क्वालिटी वॉज हेम्पर्ड बिकॉज ऑफ दिस दिस रीजन स्कोप चेंज वॉज देयर बिकॉज ऑफ दिस दिस रीजन जो भी कुछ पिछले बार हुआ था पिछले प्रोजेक्ट्स में हुआ था

कि क्वालिटी में ये ये पॉइंट्स चेक करना है स्कोप में ये, ये चेक करना है शेड्यूल में ये पॉइंट चेक करना है ड्राइंग्स में ये ये पॉइंट चेक करना है नॉर्मली यहां पर मिस्टेक्स होती है या पर कोई चीज छूट जाती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट इंपैक्ट होता है तो वी कैन क्रिएट ए चेक लिस्ट वी डू द चेक लिस्ट एनालिसिस एंड वी फाइंड आउट द रिस्क लिस्ट बनाते हैं एडजम्पन जो हमने एनालिसिस का क्या मतलब हुआ कि कोई भी प्रोजेक्ट को करने के लिए बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर डन इन अनसर्टेन एनवायरमेंट हमने देखा। resources की कोई कमी नहीं है या सीमेंट का दाम येगा ये या आर्किटेक्ट ड्रॉइंग एक वीक में दे दिया करेगा है ना या अप्रूवल या मिक्स या डिजाइन या मेरा दो वीक में आ जाएगा दीज आर दॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग वी हैव ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एजम्पन्स बेस्ड ऑन विच वी प्लान द प्रोजेक्ट तो उस एनालिसिस को हम चेक करें कि क्या हमारे परफेक्ट हैं क्या हमने जो पिछले प्रोजेक्ट से एनालिसिस पिछले वाले प्रोजेक्ट्स में से फॉलो कर रहे हैं को वो परफेक्ट है क्या उनमें कहीं कमी तो नहीं छूट रही है कि इस बार एजेंशन में कोई रिस्क तो नहीं है शॉर्ट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इट इज अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड इट इज अबाउट Also, हमारी क्या स्ट्रेंथ है हमारी क्या वीकनेस है हमारे को क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है स्ट्रेंथ की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी है और वीकनेस की वजह से हमें थ्रेट है उसको कैसे मिट्टीट किया जाए वी कैन प्लान इट कि हमारे बीइंग शेड्यूलर सपोज आई से आई है स्ट्रेंथ आई एम ए शेड्यूलर आई एम ए पी एम पी इट इज माई स्ट्रेंथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेंथ हो सकती है और कोई वीकनेस हो सकती है सो वी शुड प्लान दैट वी शुड डू दी एना

जमेंट इंस्टीट्यूटेक्टिंग रिस्क रजिस्टर में क्या होगा दिस इज ए की डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें वी विल है आइडेंटिफाई रिस्क इंक्लूडिंग है रिस्क का नाम के अलावा जो भी उसके बारे में हम बात करते हैं जैसे रिस्क

सो इन द बिगनिंग ऑल्सो वी डिसाइड सम रेस्पॉन्सेज जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की हम बात करें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अगर अगर लेबर की रिस्क है तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं लेबर की इक्विपमेंट की रिस्क है या फिर सेफ्टी इश्यूज है तो सेफ्टी इश्यूज हम कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में लिख देते हैं कि सारे सेफ्टी इश्यूज कॉन्ट्रैक्टर खुद हैंडल करेगा वी टेक कार पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी सी ए आर दैट इज यूज टू ट्रांसफर द रिस्क टू दर

ये जो सॉफ्टवेयर है प्राइमा सॉफ्टवेयर पी सिक्स में से मैंने स्क्रीन शॉट लिया है सो किसी पर्टिकुलर टाइप रेस्पॉन्स टाइप क्या है रिस्क ओनर उस रेस्पॉन्स का ओनर कौन है रिस्क कौन सी डेट को आइडेंटिफाई हुई ये रिस्क का एक्सपोजर कौन सी डेट से शुरू होगा एक्सपोजर फिनिश किस डेट को होगा

you can decide ke i will be handling top 10 or top 20 risk baki sab i will accept as it is dekha jayega jab aayegi so this can be the approach this is again a type of risk register you can see ye 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 screenshot maine primavera software se liya hai risk id risk name risk category risk type, threat है या opportunity है risk का status क्या है proposed है अकर हो चुकी है response type क्या है

एक, एक एक करके हम मतलब समझने की कोशिश हैंडल्ड रिस्क हाई प्रायोरिटी रिस्क बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है और हैंडल करने का कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट वी विल डू या तो उन आइटम्स को निकाल देंगे हम या तो उन आइटम्स को निकाल देंगे

Contracting and subcontracting is transferring the risk. The main purpose of uh, this thing insurance, ka purpose, performance bond, guarantee, warranty, or these are transferring the risk. All these are for the transit. Use of subcontractors. So, transfer risk means we make somebody else responsible for the uh, profit or loss of that risk. And he, he, normally, he will charge some premium on this. So, in, you, you must have seen in government.

एक्सेप्टेंस इज एट लेट इट कम आई विल एक्सेप्ट आप निकल पड़े बारिश आएगी तो कोई बात नहीं भीग जाएंगे so ये चार तरीके हमें बताए हैं थ्रेट uh, को हैंडल करने के अगर हाई प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट है तो अवॉइड करते हैं जैसे मैंने मकान का एग्जाम्पल लिया देर इज हाई प्रोबेबिलिटी की देर विल बी शॉर्टेज ऑफ वॉटर एंड हाई इम्पैक्ट विल बी देर बिकॉज विदाउट वाटर वी कैनॉट सर्वाइव ट्रांसफर कब करना हमें जब लो प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट हो ऑल दिस थिंग्स आर ट्रांसपोर्ट लो प्रोबेबिलिटी हुआ जैसे कि फर्टिलिटी लेबर काम कंस्ट्रक्शन लेबर में कोई लेबर की डेथ हो जाए इट्स ए लो प्रोबेबिलिटी बट इम्पैक्ट इज वेरी हाई सो नॉर्मली वी ट्रांसफर इट टू दी कॉन्ट्रेक्टर एंड मिटीगेट हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट लाइक रेनी रेन इज देर पूरी प्रोबेबिलिटी है जुलाई में बारिश होगी लेकिन इंपेक्ट उतना ज्यादा नहीं है. कि हम अंदर का, का काम कर लेंगे बाहर का नहीं करेंगे उस टाइम इस तरह से प्लान कर लें एक्सटर्नल वर्क बाहर का, का like वॉच लिस्ट में डाल देते हैं दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल मान लीजिए इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ ऊपर से कोई कूदेगा ये रिक्वायरमेंट है तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आपने इन दिस

वट यू विल डू यू विल टॉक टू ए फ्रेंड ऑफ योर्स आपने किसी फ्रेंड से बात की एक काम करते हैं इसको मिलकर ले लेते हैं आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लेता हूँ दिस इज शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है जो आप अकेले नहीं हैंडल कर सकते यू कैन नॉट टेक इट जेरे अपॉर्चुनिटी वो काम मिल सकता है या आपके क्रेडिशल्स नहीं है उसमें सो देन यू डू द्वाइंट वेंचर दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी एक्सेप्टेंस अगेन इट कम्स लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट अगर है तो वी एक्सेप्ट लेट इट कम कुछ फायदा होगा हो जाएगा कोई बात नहीं

डे टकर क्या हमने जो कॉस्ट उसके लिए रखी थी उस के लिए वो सफिशियंट थी क्या हमने मार्जिन जो शेड्यूल में रखा वो सफिशियंट था इम्प्लीमेंटिंग क्या हमने जो रिस्क रेस्पॉन्स प्लान किए थे वो इंप्लीमेंट किए हैं क्या आइडेंटिफाइड रिस्क की ट्रैकिंग मतलब वो हुई है लाइक दैट एंड एवे और आफ्टर मॉनिटरिंग वी कैन आइडेंटिफाई सर्टेन न्यू रिस्क ऑल्सो there can be certain secondary risk also if we implement the primary risk the new secondary risk can generate or there can be so risk management process is a like iterative process it is a continuous process it will be done throughout the project it is not that only in the planning phase we will do we will keep doing it throughout the project and every month every 15 days we must do the reassessment of our risk planning and risk management plan

पढ़ाई लिखाई करता था पिक्चर नहीं देखता था ज्यादा टाइम खराब नहीं करता था और एक भाई बहुत पिक्चर देखता था पढ़ता कम था एवरी डे ही यूज टू वॉच मूवी हर दिन पिक्चर देखनी थी उसको और दूसरा भाई पिक्चर नहीं देखता था महीने महीने नहीं देखता था पढ़ाई करता था अब एक दिन एक भाई को लगा कि यार ये भाई बड़े मजे करता है और मैं जो है फालतू तो में इतनी पढ़ाई करता हूं तो उसने एक वीक में तीन पिक्चरें देख डाली दूसरे भाई ने तो उसकी बहुत पिटाई हुई फिताजी ने बहुत पिटाई की ये क्या कर रहा है भाई तू

whether it is in the uh, like uh, the suppose schedule delay is there whether the schedule delay is increasing month by month or it is decreasing month by month whether the budget uh, budget uh, is exceeding more and more month by month or it is decreasing so this is called trend analysis we should do trend analysis and the last is reserve analysis what is reserve analysis que suppose we kept a reserve of 5 lakh contingency humne project ke liye 5 lakh 50% project ho gaya. फिफ्टी परसेंट प्रोजेक्ट तक ढाई लाख हमको यूज करनी थी तो रिजर्व एनालिसिस का मतलब यह है कि भाई हमने जो रिजर्व रखा हुआ था, था वो 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 कितना कंज्यूम हुआ और वॉट एवर रिजर्व इज रिमेनिंग नाउ इज इट एडिक्वेट क्या ये सफिशियंट है बाकी प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए सो दैट इज कॉल्ड रिजर्व एनालिसिस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट Periodically, we should do the reserve analysis. So, this is the end of the ch chapter. The better you prepare for risk, the more secure your project is against unknowns and manage your risk. Otherwise, risk will manage you. Thank you.